हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम आती है जब वो डॉग ले लेते हैं या फिर खरीदने जाते हैं, तब उन्हें समझ नहीं आता हम कौन सी डॉग की तरफ जाएँ, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा सूटेबल रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट की। बजट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि आप अपना बजट देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ जाएगा कि आप कौन सी डॉग ब्रीड आपके बजट में आती है। अगर हम एवरेज बजट लेके चलते हैं, लोग रखते हैं 10 to 15 या 25,000 का एक एवरेज बजट लेके चलते हैं। कई बंदे स्ट्रीट डॉग को भी अडॉप्ट करते हैं, जो कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप बाय करते हो तो उसमें आपका कितना बजट होना चाहिए। डिपेंड करता है आपके 10 to 25,000 का बजट, एक एवरेज बजट हम अभी एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब हम इसके अंदर काफ़ी सारे डॉग के वेरिएशन देख सकते हैं, जैसे कि आपको जर्मन शेफर्ड के मिल जाएंगे, लॉन्ग कोट, मीडियम कोट, डबल कोट और सिंगल कोट। ठीक है, आप इस हिसाब से भी देख सकते हो। फिर आपको लैब्राडोर मिल जाएगा, डालमेशियन मिल जाएगा, शिट्ज़ू मिल जाएगा, कल्चर पॉम मिल जाएंगे, टॉय पॉम नहीं मिल पाएंगे, स्पिट्स मिल जाएंगे आपको, जर्मन स्पिट्स हो गए आपके। इस तरीके का आपको कई सारी वेरिएशन मिल जाएगी डॉग्स की। तो अब आप इसमें से आप सिलेक्ट करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा डॉग ज़्यादा सूटेबल है, मतलब आपके पास कितना टाइम रहता है कि आप उस डॉग को आप एक्सरसाइज पे ले जा सकते हो, या फिर आप ऑफिस में जाते हो, आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो घर के अंदर अकेला रह सकता है, जिसे कि घर में ज़्यादा मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप सिंगल रहते हो, या फिर आप ऐसा डॉग देख रहे हो जिसकी ग्रूमिंग कम हो। आप ऐसे डॉग ब्रीड देख रहे हो, अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने डॉग को बाहर लेके जाओ, तो आपको टॉय ब्रीड की तरफ आना पड़ेगा या फिर स्मॉल साइज डॉग ब्रीड की तरफ आना पड़ेगा, जिसके चलते आपका टाइम उधर बच सकता है अपने डॉग के एक्सरसाइज में, उसकी ग्रूमिंग में। तो ये चीज़ के फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं कि आप अपने डॉग के ऊपर कितना मंथली खर्च कर सकते हो। जैसे कि जो लार्ज जायंट साइज डॉग ब्रीड होती है, उनका फूड इंटेक ज़्यादा होता है, जिसके चलते उनमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है खाने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं टॉय डॉग ब्रीड या फिर स्मॉल डॉग ब्रीड की, तो इनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा कम होती है बाकी डॉग के मुकाबले, तो ये चीज़ का फ़र्क आ जाता है। बाकी इन्हें एक्सरसाइज पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। अब आपको यहाँ पे कई फैक्टर आ जाते हैं कि आपको ठंडे इलाके में रहते हो तो आपको लंबे बाल की डॉग ब्रीड की तरफ जाना पड़ेगा, गर्म इलाके में रहते हो छोटे बाल की डॉग ब्रीड की तरफ जाना पड़ेगा, ये फैक्टर आ जाते हैं। फिर आप देखोगे कि आपके घर के हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल है, मतलब कि अगर आपका घर बड़ा है तो आप बड़े साइज़ के डॉग ब्रीड की तरफ जाओगे, अगर आपका घर छोटा है तो आप छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड को इजीली रख सकते हो, बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन बड़े घर में आप छोटी डॉग ब्रीड को भी रख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कई लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, डॉग को हैंडल नहीं कर पाते, जिसके चलते फिर वो शेल्टर में छोड़ते हैं, एडॉप्शन शेल्टर जितने होते हैं उधर छोड़ते हैं, या फिर कई बंदे तो अपने डॉग को स्ट्रीट पे ही छोड़ देते हैं, जो कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप किसी डॉग को लेते हो तो उसके आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसे पूरी एंड उसकी लाइफ तक प्रॉपर उसकी केयर करो। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप डॉग लो, कि अपने रिक्वायरमेंट को ज़रूर देखो कि आपके पास कितना टाइम रहता है, आप उसे एक्सरसाइज पर ले जा सकते हो नहीं ले जा सकते, आप मंथली बजट कितना रखते हो। और अगर आप डॉग बाय कर लेते हो, सपोज़ करो आपने 10,000 का डॉग बाय किया, तो उसके बाद भी आपके पास 17,000 का मेन बजट होना चाहिए, जिसमें से आप 10,000 का डॉग बाय कर रहे हो और 7,000 आपके पास एडिशनल सपोर्ट के लिए होने चाहिए रेडी। कई बार क्या होता है, पप्पी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि पप्पी खाना नहीं खा रहा, लूज़ मोशन हो जाते हैं, या फिर उसमें और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके इंजेक्शन का टाइम पीरियड होता है, कि मतलब 3 से 5 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर इतना खर्चा इजीली हो जाता है 7,000 तक का। तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में लेके चलो, मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 7,000 रेडी रहने चाहिए हर सिचुएशन में, जब भी आप डॉग लेके आओ, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके एक तो 4,000 के करीब तो आपके वैक्सीनेशन में लग जाएंगे, जो कि 3 महीने तक की होती है, फिर आप अपने डॉग के लिए खाना भी लेके आओगे, उसके कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लीवर टॉनिक, हर चीज़ का देखोगे, साथ में आप ये चीज़ भी देखोगे उसके, अगर लंबे बाल की डॉग ब्रीड है तो उसके लिए आप Omega-3 Omega-6 भी लेके आओगे, फिश ऑयल जिसे हम कह देते हैं, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे, जिसके चलते आपके डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी, प्लस उसका कोट अच्छा रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। तो बचपन में आप जितना अच्छी तरीके की डॉग ब्रीड खरीद सकते हो, मतलब जितना अच्छी क्वालिटी में डॉग ब्रीड खरीदोगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लो प्राइस की अगर हम सब बात करते हैं, आपको एक लैब्राडोर मिलता है 10,000 का, वही एक लैब्राडोर मिलता है आपको 6,000 का, तो 6 और 10 के अंदर क्वालिटी का मेजर डिफरेंस आ जाएगा, तो आप 10,000 का लेना प्रीफर करना जब भी आप डॉग लो, क्योंकि उसमें आपको फ्यूचर में खर्चा कम होएगा, जबकि आप 6,000 को कभी भी 10,000 का नहीं बना सकते,
जितने भी आप देखते हो उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे कि एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। कई बंदे ऐसी वीडियो बना देते हैं कि बिफ़ोर आफ्टर डॉग का, जिसके चलते काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो ये चीज़ सोचते हैं कि हमारा डॉग भी इस तरीके से बड़ा होकर दिखेगा नहीं दिखेगा, उसके बारे में फ्यूचर में ज़रूर बात करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना उसे भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। इन्फॉर्मेटिव रही हो तो ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक करके बता सकते हो। साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।